निहितार्थो दधाति विजयति चान्ते विश्वमादौ स देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि ईश्वर एक है, उसके अतिरिक्त यहां दूसरा कोई भी नहीं है। उसने स्वयं को अपनी शक्ति के द्वारा विभिन्न और विविधता भरे रूपों से युक्त विविधता भरे संसार में अभिव्यक्त किया जो हमारी बुद्धि से परे है। अंत में ये सारी विविधताएं उसी ईश्वर में विलीन हो जाती हैं। यह स्वयं प्रकाशमान ईश्वर हमें पवित्र बुद्धि से पूर्ण करें। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे प्रसाद में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमा दाता, मैं तो सिर्फ उसका पद गुनगुना रही थी। तुम्हारे झूठे विश्वास के चलते मैं अपने कानों को बंद नहीं कर सकता। क्षमा करें अन्नदाता, मैंने आपके विश्वास को कभी चुनौती नहीं दी, फिर आप मेरी आस्था को भला बुरा क्यों कहते हैं? दासी होकर मुझसे जबान लड़ाती हो, कौन है यहाँ? हुकुम अन्नदाता। गिरफ्तार कर लो इस बुढ़िया को और तब तक इसे चक्की पिसवाओ जब तक कि अपने ईश्वर का नाम लेना नहीं भूल जाते। क्या जरूरत है तुम्हें युवराज के मुंह लगने की? अब अगर वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो नहीं करता। अब पीसो सारी जिंदगी चक्की। मैंने कहा उसका रास्ता काटा था, वही रोज ताने दिया करता था। उस दिन मुझसे नहीं रहा गया तो दो बोल फूट पड़े मेरे मुंह से। मुझे तो इसमें भी मेरी भलाई दिखती है मेरे भाई। चार दीवारों का कारागार तो बाहर भी है, यहाँ कितनी शांति है, कोई कलेश नहीं। मैं और मेरे मालिक के बीच ये चक्की की घर घर, अब तो इस चक्की की घर घर में भी मुझे उसी की धुन सुनाई देती है। अम्मा, तू बड़ी भाग्यशाली है, चल राजा ने तुझे बुलाया है। मैं शर्मिंदा हूं अम्मा, अपने बेटे की भूल के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं अन्नदाता, मैं तो आपकी चाकर हूँ। आज से मैं तुम्हें अपनी चाकरी से मुक्त करता हूँ, वेतन तुम्हें मिलता रहेगा। यहाँ प्रासाद में रहोगी तो युवराज से खटपट होती रहेगी, इसलिए अब बाकी का जीवन आराम से ईश्वर साधना में व्यतीत करूंगी। जैसी हुक्म की इच्छा। महाराज कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ यज्ञदत्त, युवराज मेरी चिंता है। नास्तिक दर्शन पहले भी हमारे यहाँ रहा है, समय समय पर वहां पुरुषों ने, चिंतकों ने भी ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है, किंतु अपने विचार लेकर एक युवराज का
इतना उग्र होना ठीक नहीं है। मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी वही है और यही मेरी चिंता का विषय है। युवराज अभी युवा है महाराज, उम्र के साथ वे भी ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा हो तो उसका ही भला होगा। मैं तो जा रहा हूं बेटा, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी एक विचार से इतना मत जुड़ो कि दूसरे विचारों के लिए जगह ही ना। किसी भी एक मत, एक दर्शन या एक विचार से ना बदल सकने वाला जुड़ाव तुम्हारे विचार करने की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। इसलिए चारों दिशाओं से आने वाले अच्छे विचारों के लिए अपनी खिड़कियां हमेशा खुली रखना। आनो भद्रा कृतवो। राजा शांत हो गए और युवराज के राज्याभिषेक का अवसर आया। अब नए राजा को शपथ लेनी थी। युवराज, अब आपको प्रजा के कल्याण के लिए शपथ लेनी होगी, इसलिए मेरे साथ शपथ को दोहराइए। मैं ईश्वर को साक्षी मान शपथ लेता हूं कि शपथ दोहराइए हुकुम। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ नहीं ले सकता। युवराज, पर यही परंपरा है। जिसे मैंने देखा नहीं, जो मेरे सामने नहीं, उसे कैसे साक्षी मान सकता हूं मैं? पर युवराज, आज तक तो हम सिर्फ आज तक हुआ, अब वो नहीं होगा। या जिस किसी ने उसे देखा हो वो बताए मुझे, कहां है वो, किसे देख रहा है वो, इस समय क्या कर रहा है वो? यदि किसी के पास मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ नहीं ले सकता। आपको ईश्वर को साक्षी मान शपथ ले लेनी चाहिए थी। क्यों? एक शासक को जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनके विश्वास का आधार निर्मूल ही क्यों ना हो। हजारों वर्षों से चले आ रहे विश्वास का कोई तो आधार होगा। कल्पना, ईश्वर मनुष्य की कल्पना में है। मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार है ईश्वर। भयभीत मनुष्य की रचना है ईश्वर। मैं नहीं जानती कि ईश्वर कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, पर एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मनुष्य की कल्पना भी कहीं ना कहीं सत्य का लंगर डाले रहती है। सुना है लोगों में मेरी निंदा हो रही है। हाँ राजन, मुझे धर्म विरोधी कहा जा रहा है। धर्म विरोधी नहीं, ईश्वर विरोधी कहा जा रहा है राजन। क्या अंतर है दोनों में? धर्म की व्याख्या और ईश्वर की व्याख्या अलग अलग है राजन। धर्म सत्य का मार्ग है, ईश्वर परम सत्य, मार्ग का लक्ष्य। क्या है ईश्वर की व्याख्या राजन? यदि घड़ा है तो कुम्हार भी होना चाहिए, यदि हम हैं, संसार है तो इसका रचनाकार भी होना चाहिए। यदि हम घड़े की तरह रचना है तो हमारा कुम्हार ईश्वर है। आचार्य, इतना तो मैं भी जानता हूं कि परिणाम है तो कारण भी है, घड़ा है तो कुम्हार भी है, पर घड़ा बनाने वाले कुम्हार को मैं देख सकता हूं। कुम्हार प्रमाण है, पर ईश्वर का प्रमाण क्या है?
कुलगुरु। अगले 15 दिनों में कोई बुद्धिमान मुझे ईश्वर का अस्तित्व साबित करके दिखा दे, नहीं तो मैं सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा दूंगा। मैं हारने के लिए भी तैयार हूं। पूरे राज्य में खलबली मच गई। ईश्वर कहां है? वो कहां देख रहा है? किसे देख रहा है? इस समय क्या कर रहा है? इसके अलग अलग उत्तर ले विद्वान विदुषियां राजा के पास आने लगे। बहस और तर्क का दौर चल पड़ा था। राजन, जिस तरह घड़े के रचयिता कुम्हार को घड़ा बनाने की कला का ज्ञान होता है, उसी तरह संसार के रचनाकार को संसार की रचना का ज्ञान होता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाने में समर्थ है, वैसे ही सृष्टिकर्ता सृष्टि बनाने में समर्थ है। दोनों के ही पास अपनी अपनी रचना करने का ज्ञान और शक्ति है। घड़े का उपादान कारण है मिट्टी, और जिस तरह मिट्टी घड़े के कण कण में व्याप्त है, उसी तरह जगत का उपादान कारण ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। और इसीलिए उपनिषद घोषणा करता है कि ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। राजन, जैसे सृष्टि में तारे, ग्रह, उपग्रह अपनी निश्चित दिशा में घूम रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य उगना नहीं भूलता, समुद्र सूखता नहीं है, ठीक वैसे ही मानव शरीर में प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका का अपना उद्देश्य है, उसका अपना महत्व है। राजन, क्या सृष्टि की यह अनोखी व्यवस्था और सुंदरता इस बात का प्रमाण नहीं है कि इन सब के पीछे कोई चेतन तत्व है, कोई निमित्त कारण है? प्रत्येक वस्तु की रचना के पीछे दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण वस्तु बनाता है, उपादान कारण जिससे वस्तु बनती है। जैसे कुम्हार निमित्त कारण है, मट्टी उपादान कारण है। लेकिन राजन, क्या कुम्हार और घड़े के एक होने की कल्पना की जा सकती है? नहीं। परंतु राजन, सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण एक ही है, जिसे वेदांत में ईश्वर कहते हैं। निमित्त और उपादान कारण कैसे एक हो सकते हैं देवता? अब राजन, सपने को ही ले लीजिए। सपने देखने वाला ही सपने बुनता है, वही उसका निमित्त कारण है, वही उसका उपादान कारण है, वही उसका निर्माता है, वही उसका पोषक है, वही उसका विनाशक है। वैसे ही जो सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण है, उसे ईश्वर कहते हैं। उसे खोजने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि अपने रचनाकार से अलग नहीं है, बल्कि सृष्टि स्वयं ही ईश्वर है। कल्पना अच्छी है, पर प्रमाण क्या है? मैं ईश्वर का प्रमाण चाहता हूं। राजन, जो सूरज के सामने आंखें बंद कर ले, उसे प्रकाश का प्रमाण कौन दे सकता है? तर्क अच्छा है, पर मैं प्रभावित नहीं हुआ। 2 दिन और प्रतीक्षा करने के लिए मैं अपने शब्दों से बंधा हूं। कोई प्रमाण हो तो लाएं। क्या बात है पिताजी, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। नया राजा बावला है। क्यों? कहता है ईश्वर कहाँ है, प्रमाण दो। वह किसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है, इस समय क्या कर रहा है? और नास्तिक है बेटा, जो कल तक किसी ने उत्तर नहीं दिया तो वह सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवा देगा। बस इतनी सी बात और इतनी चिंता। बेटा, बड़े बड़े विद्वान। पिताजी,
आप कल मुझे राजा के पास ले चलिए, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। राजन, मैं प्रमाण देने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले मैं कुछ चाहती हूँ। क्या चाहिए? थोड़ा दूध। राजन, इस पात्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूध। क्या दूध के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है? नहीं। पर मुझे तो मक्खन भी दिखाई दे रहा है, क्या आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? नहीं। पर राजन, क्या इसमें मक्खन नहीं है? है। जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में भिन्न भिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध से मक्खन पाने के लिए उसे मथना जरूरी है, उसी तरह वेदान के श्रवण, वेदान का मनन और उसके निहितार्थ पर निरंतर ध्यान के द्वारा ही ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। राजन, क्या आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया? मैं मान लेता हूं, पर वो किसे देख रहा है, किस ओर देख रहा है? क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती मिल सकती है? राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। प्रकाश की ये लौक कहां देख रही है, किसे देख रही है? ये सभी को देख रही है, सभी और देख रही है। राजन, जिस तरह इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतना चारों ओर फैली हुई है, और उसी चेतना के कारण हम चलते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं। जैसे ये प्रकाश सभी ओर देख रहा है, वैसे ही ईश्वर सभी ओर देख रहा है। अब आपका तीसरा प्रश्न। वो इस समय क्या कर रहा है? राजन, इस समय मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य, पर मैं खड़ी हूँ और तुम बैठे हो। यदि अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपना आसन देना होगा। ये रहा तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर। कुछ देर पहले आप सारे मंदिरों से मूर्तियां हटवाने का विचार कर रहे थे, इस समय आप ईश्वर के बारे में फिर से विचार करने लगे हैं। आप मेरे स्थान पर खड़े हैं और मैं आपके सिंहासन पर बैठी हूं। इधर एक राजा को सामान्य नागरिक का स्थान और एक सामान्य नागरिक को राज सिंहासन दे सकता है, ये आप देख रहे हैं। आप मेरे स्थान पर और मैं आपके स्थान पर बैठी हूं। ईश्वर इस समय ये करवा रहा है, उस अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी जिसने ये सुंदर, अद्भुत, विस्मयकारी और महान संसार रचा है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर स्थिर और गतिमान है, जिसके कण कण में एक व्यवस्था है, ऐसे शब्दों और ज्ञान से परे ईश्वर के लिए क्या संभव है? कहिए राजन, क्या मंदिरों से मूर्तियां हटवाई जाएं? मूर्तियां तो उस ईश्वर की प्रतीक है, उनका मूर्त रूप है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ईश्वर सर्वत्र है। किसी ने उसको पत्थर में पाया, किसी ने पेड़ों में, किसी ने शब्दों के माध्यम से, तो किसी ने प्रार्थना करके। वही परमात्मा अनेक नाम, रूप और गुणों में व्यक्त होता है, और कोई उन्हें अरूप और निर्गुण आत्मा के रूप में जानते हैं। ईशास्माद्वातः पवते ईशो देति सूर्यः
निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति। उसके भय से हवा बहती है, उसके भय से सूरज निकलता है, उसके ही भय से अग्नि प्रज्वलित होती है। इंद्र जो स्वर्ग के देवता हैं और यम जो नरक के देवता हैं अपने कर्तव्य को करने के लिए बाध्य हैं। स्वरूप